रिश्ते में नंदोई ने महिला को गोली मारकर उतारा मौत के घाट, खुद को भी मारी गोली। जी हां, और दोनों की मौके पर ही मौत। रेवाड़ी में बावल थाना क्षेत्र के गांव धुलेड़ा में हुई वारदात। और आपको बता दें कि बाइक पर सवार होकर पुनाना के गांव जिमनावत निवासी धुलेड़ा पहुंचा था जगदीश। दो बच्चों की मां थी करीब 32 वर्षीय शीतल। हत्या के बाद सदमे में धुलेड़ा के ग्रामीण। हुई है ये घटना जी रात को 11 बजे। क्या लगते थे आपके जो ये मेरा जमाई था, तो किस तरीके से इसने घटना को जो अंजाम दिया है? घटना ये थी कि मेरी लड़की भाई थी इसके, और वो बीमार थी 3 साल पहले, तो वो सेवा के लिए मैंने भेजी थी। अब पता नहीं बटे हुए गड़बड़ है या लड़की बोड़िया की कमी है, वो मोहब्बत कर बैठी, लड़की गई मर, तो वो हमने एक बार तो उसको जबरदस्ती ले आए थे, दोबारा फिर अपनी मर्जी से भग गई। फिर उसका हाल देख के वो अपने वापस घर आ गई। 6-7 महीनों के जेल रही, यानी कि साल रही, आगे 6 महीने रही। अभी आई थी कोई महीना पहले की बात है, ये अपने जैसे इलेक्शन हुए हैं जब आई थी, महीना भी नहीं हुआ साल। अब ये बटेऊ बना रात को 11 बजे आया है, मेरा बच्चा था, बच्चों का सो रहा था, वो रात को पेशाब करने के लिए बाहर निकल गया। वो बाहर निकलते ही और उसने दरवाजा भीतर घुस गया, दरवाजा बंद कर दिया। बौड़िया सो रही थी मेरी बेटे की घरवाली, कनपट्टी पे गोली मारी और खुद ने फिर गोली मार दी। ये घटना है साहब, कुछ पूरी वारदात हुई है, क्या कुछ पूरी घटना थी? जी मैं 11:15 बजे बाथरूम करने के लिए उठा था, और हमारा घर के बाहर ही जस्ट बाथरूम है। जैसे ही मैं बाथरूम करके वापस लौटा तो देखा कि जैसे ही मैं गेट पर बढ़ा था ना, तो पटाखों की आवाज़ सुनी मुझे, मतलब कोई वैसे पटाखे उठा के होंगे। फिर मेरी मम्मी भी जग गई उस टाइम, मुझे ये कैसी आवाज़ है, मुझे या तो पटाखे किसी लग रही, मेरे को तो कुछ ऐसी ही है, या तो बल्ब फूट गया, अंधेरा हो गया था उस टाइम, या तो कोई बल्ब बुलब फूट गया था। पर अंदर की लाइट जल रही थी हमारी, फिर जाके देखा मैं गेट का दरवाजा, तो मैं खोल गया था बाथरूम करने के लिए, अभी 1 मिनट पहले गया था। फिर मैंने धक्का मारा, नहीं खोला गेट, मैं यार, फिर मैं घर वाले से आवाज़ दी, मैं खोलिए नहीं, अभी तो मैं बाथरूम करने गए, तुम पीछे कैसे लगा दिया। फिर जब कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो नीचे टूटा हुआ था दरवाजा जी, तो मैंने हाथ दे के वो खोल लिया। फिर जब भीतर जाके देखा तो दोनों डेड थे। क्या लगता था आपको? मेरा जीजा लगता जी खास। कोई लड़ाई झगड़ा था किसी? क्या लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था जी, पहले ये ले जा चुका था पहले अपनी मर्जी से, मतलब दोनों की अपनी सहमति से चले गए थे, अपने घर रख रहा था, 6-7 महीने बाद आई थी मेरे पास। सर क्या कुछ पूरी घटना है जो ये कल देर रात हुई है? ये जी रात को गश्त में था मैं, तो 11:15 बजे की बात आ गई इन्फॉर्मेशन मिली धुलेड़ा कोर्ट से कि एक व्यक्ति ने एक औरत का मर्डर कर दिया है गोली मार के, और उसी टाइम पर वहाँ पहुँचे मौके पर, तो वहाँ एक लेडीज़ की डेड बॉडी थी और उसके साथ ही एक व्यक्ति था उसकी डेड बॉडी। वहाँ पता किया गया तो ये जो लेडीज़ का घरवाला है महेश, उसने बताया हमारे को कि उसकी महेश की सिस्टर जिमरावट में गई थी, नू जिले में पड़ता है, पुना अपना पिनगवा थाने में, तो उसकी सिस्टर की शादी 2009 में की थी उन्होंने। वो 1 साल पहले महेश की सिस्टर पूनम है वो एक्सपायर हो गई थी बीमारी की वजह से। वो एक्सपायर होने के बाद ये जो महेश की घरवाली है शीतल जिसका मर्डर हुआ है, ये कुछ दिन के लिए वहाँ चली गई थी अपने ननदोई के पास, वहाँ ये 2-4 दिन ठहरी थी, उसके बाद ये वापस आ गई थी, खुद ही लेके गया था, खुद छोड़ गया। उसके 5-7 दिन बाद में दोबारा फिर आया था, जगदीश नाम इसका जिमराट वाले लड़के का, ये 5-7 दिन बाद फिर आके इसको शीतल को फिर लेके चला गया जिमराट। वहाँ जाने के बाद में इसके महेश के परिवार वालों ने इसको लेने का प्रयास किया, बट शीतल ने फिर मना कर दिया कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी धुलेड़ा, मैं यहीं पर अपने नंदोई के पास ही रहूँगी।
उसके बाद ये वहाँ मार्च में जैसे गई थी दोबारा, तो मार्च से लेके और अब 7/11/22 तक वहीं पर ही थी। वहाँ फिर ये कुछ दिन परेशान रहने लगी, तो उसने फ़ोन किया यहाँ अपने हस्बैंड के पास, महेश के पास, कि मैं, मेरे को परेशान रखता है जगदीश, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं यहीं वापस आ जाऊँ। इसने महेश ने कह दिया भैया आप आ जाओ, तो ये 7/11 को आ जाएगा, इसको भी एक बनना हो जाता है। तो रात को ये सभी अपने परिवार के लोग खाना खा के सो गए थे। महेश अपने रूम में सो रहा था, इसकी घरवाली थी, दो बच्चे थे छोटे, और महेश के मम्मी पापा बाहर बैठे में सो रहे थे। तो 10:45 के आसपास महेश जो है ये बाथरूम के लिए गया था बाहर, तो बाथरूम जो बाहर ये कर रहा था, तब इसको अंदर आवाज़ सुनाई दी पटाखा जैसी। तो तुरंत अंदर आया, तो अंदर आया तो इसके गेट में जिसमें सो रहे थे मियाँ बीबी, उस गेट में घुस चुका था अंदर, और गेट का अंदर से साकड़ लगी हुई, तो उसका गेट थोड़ा टूटा हुआ है, महेश को पता था। उसने बैठ के उसमें हाथ दे के और अंदर से साकड़ खोल के महेश अंदर गया, तो अंदर इसकी जगदीश की भी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, और इसकी महेश की घरवाली शीतल में वहाँ, जिसके जगदीश के हाथ में, दाहिने हाथ में एक पिस्टल भी था,